जय हिंद दोस्तों, भाग्य पीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 24 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमें अभी तक मिल पाए हैं उनको हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल में भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने पर उस संख्या का 3 गुना 75 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। एक संख्या बोला है तो माना हुआ संख्या क्या है, x है। दोगुने में 9 जोड़ने पर ये एक संख्या माने हम जो x उसका दोगुने यानी उसका 2 गुना में कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर 9 जोड़ देंगे। 9 जोड़ने पर उस संख्या का 3 गुना प्राप्त होता है, इस संख्या का 3 गुना प्राप्त होता है, तो हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुना 75 प्राप्त होता है, 3 गुना और 75 प्राप्त होता है। तो हम 75 क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बराबर 75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 6x + 9 3 27 यानी 3 नमा 27 या 9 3 27 वही है बराबर 75। 6x इस 27 को 75 करेंगे इधर तो बराबर 75 माइनस 27। 6x बराबर 75 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। 75 में 27 चला जाएगा कितना बचेगा, 48 बचेगा। इस 6 को हम इधर 75 करेंगे, इधर गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, तो 6x है बराबर 48 है, x बराबर 48/6। इसको काटेंगे, 6 का 9 6 6 8 48, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, एक्स बराबर 8 आ गया। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम इसको अगर विदाउट एक्स के करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखते हैं ऑप्शन से क्या बोला, एक संख्या में दोगुने ऑप्शन से करेंगे तो वो संख्या क्या है, 9 है पहला ऑप्शन लेंगे, तो दोगुना करेंगे 9 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का क्या बोल रहा है, 3 गुना करने पर 75 आना चाहिए, इसके हम 3 गुना करेंगे 75 आएगा, नहीं आएगा। 7 21 और 3 दूना 6 7 8 आ गया, 81 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी से हम करेंगे, 7 को लेंगे तो 7 का 2 गुना करेंगे 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का 3 गुना नहीं आ रहा है 75। हम 8 को अगर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लेंगे, अगर ऑप्शन नंबर सी को हम लेंगे तो 8 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 3 गुना इसका हम इस संख्या का 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे कितना हो रहा है, 75 हो रहा है, 25 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिना एक्स के भी हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उसकी आयु का गुणनफल 1000 है, उसकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। माना कि 5x/2x है, हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, फिर इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 1000 है, तो 1000 लिख लेंगे। दोनों का गुणनफल बोला है तो हम इनका भी गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10x² ये बराबर में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, अब 0 से 0 कट जाएगा, x² बराबर कितना बचा, 100 बचा, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा, जब रूट हो जाएगा तो इस रूट को हटाएंगे तो ये 100 किसका वर्गमूल है, 10 का, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 को गुणा हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा, 10 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और कितना बोला है फिर, 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 अंश में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी पिता की वर्तमान आयु कितना है, 60 पर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप 50 है, तो मैदान का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान है
एक आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। और फिर क्या बोल रहा है, उसका परिमाप, यहाँ पर डैम लिखा है परिमाप, उसका परिमाप कितना दिया हुआ है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, परिमाप कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी बराबर, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 25 × 50 यानी 25 आ गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 25 और लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 150। तो हम ऐसा क्या करें, गुणा या भाग करने पर 150 आए और प्लस करने या माइनस करने पर 25 आए तो संख्या हमें मिल जाएगा। तो अगर हम 10 और 15 लें तो गुणा भाग करने पर 150 आएगा और जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा 25 आएगा। तो हमारा क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई सबसे बड़ा जो इसमें संख्या होगा यानी लंबाई, लंबाई बराबर 15 और चौड़ाई बराबर 10, तो चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई बड़ा संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पच्चीस गुड़े 25 माइनस 24 गुड़े 24 बटे 49 बराबर क्या होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 25 का 25 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस 24 में 24 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, बटे 49 है। इसको हम घटाएंगे 625 में 576 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे हम 625 माइनस 576, तो 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4 और ये 5 बचा तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया बराबर 49/49। तो 49 से 49 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 और 16 का तृतीय अनुपाति क्या होगा, 4 और 16 का तृतीय अनुपाति क्या होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तृतीय अनुपाति पूछा है तो 4 और 16 है, फिर तृतीय अनुपाति पूछा है तो हम इसको x मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/16 बराबर 16/x। इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 16/16, इसको हम गुणा ना करके क्या करेंगे 16/16 ही लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे 4 × 4 और 4 × 16 तो x बराबर 4/16 आ गया, x बराबर 4/16 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको x बराबर 4 × 16 = 64, x बराबर कितना आ गया 64 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 650 ग्राम और 600 मिलीग्राम का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम, तो 650 ग्राम बराबर कितना होगा 650 × 1000 लिखेंगे, अनुपाते 600, ये 0 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, कितना बचा 6500 अनुपाते 6। इसको हम काटेंगे अब, ये 2 से कटेगा 3 × 6 2 × 4 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 5 × 10 और ये 0 10 अनुपाते, ये 3 × 6 तो यहाँ 3 आ गया, तो 3250/3 तो 3250/3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 368/4 372 + 261 बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे, पहले इसको काटेंगे, 368/4 है प्लस 372 + 261, इसको काटेंगे 4 × 36 और 4 × 2 = 8 कितना आ गया 92। 372, 261 और 92 इनको जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4 = 5 हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 × 7 कितना हो जाएगा 9 × 7 = 16 हो जाएगा और 16 × 6 = 22, 22 की 2 हाथ के यहाँ 2 हो जाएगा
तीन दो पाँच, पाँच दो सात, 725 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम और रमेश की आयु का औसत 20 वर्ष है, यदि इनका आयु का अनुपात 2, 7 और 3 है तो श्याम का वर्तमान आयु बताइए। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। राम और श्याम का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है, तो हम 20 में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा, तो 20 + 60 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इनका आयु का अनुपात कितना है, 2:7:3 है, तो 2:7:3 है बराबर, तो श्याम का वर्तमान अनुपात पूछा है तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12 हो जाएगा। कितना आ गया, 12। 12 किसके कारण आया, 60 के कारण आया, तो इसमें 12 का हम भाग दे देंगे, तो 12 × 9 = 12 और 12 × 5 = 60, तो 1 = कितना आ गया, 5 आ गया, तो 1 = 5 आ गया, तो हमें किसका पूछा है, श्याम का पूछा है, तो हम 5 का गुणा किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी श्याम का वर्तमान उम्र कितना है, 35 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।